Hello everyone. In the previous lecture we have completed exercise 12.1. उसके first, second sum हमने solve कर लिए थे. Third sum से हम start करेंगे. Third में find the value. Third का first है, उसमें हमें value find करनी है. 3 raised to power 0 plus 4 raised to -1 into 2 raised to 2. ये हमें solve करना है. तो जो मैंने आपको इसके लॉस लिखाए थे वो आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूलाज थे एक्सपोनेंट के. अब मैंने वहाँ पर आपको बताया किसी की भी पावर ज़ीरो है यानी कि वो हो जाएगा 1. एंड यहाँ पर इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे. एंड 1 पावर हो तो उसको आप उसके ऊपर 1 लिखो या ना लिखो, वो 1 ही है. ओके, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा. एंड यहाँ पर 2 सा कितने होगा, 4. 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 × 2 होगा, तो वो हो जाएगा 4. कौन कौन से रूल्स यूज़ किए वो लिखना है, तो यहाँ पर लिख दो. फर्स्ट तो ये कि a raised to 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये वाला एक हमने यूज़ किया. एंड दूसरा कौन सा यूज़ किया है, a raised to -m इज इक्वल टू a/a raised to m. ओके, ये दोनों हमने इसमें यूज़ किए फर्स्ट स्टेप में. अब फ्रैक्शन वाले एडिशन आप सभी को आते ही होंगे. 4 × 4 = 1 × 4. 4 विल बी कैंसल, तो बचा क्या 4 + 1 यानी वो हो जाएगा 5. आंसर क्या मिलेगा आपको, 5. तो फर्स्ट सम कंप्लीट है यहाँ पे. सेकेंड पार्ट है इसी का, थर्ड का वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि हमें प्रॉपर नंबर चाहिए. ओके, वहाँ पर हमें पावर में आंसर नहीं लिखने पर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पर है 2 raised to -1 × 4 raised to -1 / 2 raised to -2. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 1/2 × 1/4. माइनस था, प्लस करने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में ले लिया. यहाँ पर भी होगा 1/2 raised to 2. कौन सा रूल्स यूज़ किया हमने यहाँ पे, a raised to -m इज इक्वल टू 1/a raised to m. ये वाला हमने यहाँ पर यूज़ किया. वन वन जा 1 एंड 2 × 4 = 8, फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लीकेशन है. एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4. 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 = कितना होगा, 4. अब डिवीज़न वाले फ्रैक्शन वाले डिवीज़न है, तो ये इसका भी हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. डिवीज़न का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज करेंगे. एंड जो इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल यानी 4 चला जाएगा ऊपर एंड 1 आएगा नीचे. ओके, तो 4 × 2 = 8. यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्रैक्शन वाले डिवीज़न आते हैं तब क्या करते थे, ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, अगर भूल गए तो सिर्फ याद ये रखना है कि फ्रैक्शन वाले डिवीज़न आए तो डिवीज़न जो है उसकी साइन चेंज करनी, उसकी जगह पर करना है मल्टीप्लीकेशन. एंड यहाँ पर जो भी नंबर है, जो भी फ्रैक्शन नंबर आपको गिवन है उसका कर देना है रेसिप्रोकल. तो 4 नीचे था तो वो चला जाएगा ऊपर एंड 1 आएगा नीचे. 1 लिखो या ना लिखो पर चलेगा, पर लिखना क्योंकि आपको फिर भूल जाओगे लास्ट में कि किस तरह से ये हुआ था. आंसर मिलेगा 1/2. थर्ड पार्ट है इसी का, (1/2 raised to -2 + 1/3 raised to -2 + 1/4 raised to -2). सभी की पावर क्या है, -2 गिवन है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी की पावर प्लस कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल कर दो. 2 raised to 2 + 3 raised to 2 + 4 raised to 2.
ओके प्लस करने के लिए क्या किया उसका रेसिप्रोकल, एंड डिनोमिनेटर में हमने वन नहीं लिखा, वन लिखोगे तो वन की पावर टू करो, थ्री करो, फोर करो, कुछ भी करो पर वन ही आएगा वहाँ पे। कौन सा रूल्स यूज किया यहाँ पर, ये वाला है फ्रैक्शन नंबर है तो ए बाई बी रेस टू माइनस एम उसका हो जाएगा बी बाई के रेस टू प्लस एम, टू की पावर फोर। अब यहाँ पर दो तरह से कर सकते हो, या तो फर्स्ट टू रेस टू टू फोर हो जाएगा, थ्री रेस टू टू हो जाएगा नाइन, एंड सिक्स रेस फोर है तो टू यानी वो हो जाएगा सिक्सटीन, या फिर सभी की पावर कॉमन दिख रही है ओके वही करते हैं, टू रेस टू टू यानी ये हो गया फोर नाइन एंड सिक्सटीन, कर दो एडिशन कितना मिलेगा यहाँ पर ट्वेंटी नाइन ओके ये हो जाएगा उसका आंसर। थर्ड पार्ट हमारा हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट इसका, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है वो भी देख लेते हैं। पर तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, वन आएगा ओके। किसी की भी पावर हो जीरो हो तो वो हो जाएगा वन, पर हम इसको इस तरह से गिनेंगे यहाँ पर थ्री की पावर माइनस वन है तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव रेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या है जीरो पावर गिवन है तो सभी को पावर दे देंगे ओके। अंदर सिंप्लीफिकेशन करने जाओगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा क्या है कि हम सभी को अलग अलग पावर दे देते हैं तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा वो। यहाँ पर हमने यूज़ किया ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू ओके, उसका रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पर ये था तो उसका इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर वन बाई थ्री उसकी पावर वन ही है ओके इसलिए हमने नहीं लिखा है, अब सभी को सेपरेटली देंगे इसकी पावर ज़ीरो सभी को अलग अलग पावर यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती तो ही ऐसा हो सकता था कि हम सभी को अलग अलग पावर दे सकते, पर यहाँ पर एडिशन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम उसको अलग अलग पावर दे सके तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि किसी की भी पावर ज़ीरो यानी कि ये हो जाएगा ज़ीरो आंसर मिलेगा इस सॉरी वन आंसर मिलेगा ओके। कौन सा रूल्स यूज़ किया, ए रेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ पर आप बड़ा भी कर सकते हो इसको कि फर्स्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तीनों का एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक फ्रैक्शन नंबर मिलेगा एंड उसकी पावर ज़ीरो होगी तो किसी की भी पावर ज़ीरो यानी कि वो क्या मिलेगा हमें आंसर वन ही मिलेगा ओके। तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप यहाँ पर वाला समय इसमें
माइनस टू बाई थ्री एस टू माइनस टू एस टू टू। ओके ये वाला है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसको स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। अब वो वाला हमें क्या करना है प्लस करना है तो रेसिप्रोकल कर दो माइनस थ्री बाई टू माइनस साइन ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके एंड उसकी भी पावर क्या है टू है। तो यहाँ पर आप दो तरह से कर सकते हो कि पावर की पावर यानी कि इसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन टू टू जब फोर उस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि यहाँ पर थ्री का क्या होगा स्क्वेयर नाइन एंड माइनस माइनस विल बी प्लस यानी कि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री करेंगे आप तो आंसर प्लस मिलेगा प्लस नाइन एंड टू का होगा फोर। अभी भी टू पावर ऊपर बाकी है तो नाइन स्क्वेयर अपॉन फोर स्क्वेयर नाइन का स्क्वेयर होगा 81 एंड इसका होगा 16 तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका।